लखनऊ में सुषमा खरवाल का थोड़ी देर में नामांकन हो जाएगा। नामांकन से पहले जश्न का माहौल। सुषमा खरवाल के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी, बीजेपी में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी रह चुकी हैं सुषमा खरवाल। सुषमा खरवाल थोड़ी देर में करेंगी नामांकन। नामांकन से पहले जश्न का माहौल। सुषमा खरवाल के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। बीजेपी में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हैं सुषमा खरवाल। सुषमा खरवाल थोड़ी देर में करेंगी नामांकन। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। नामांकन से पहले जश्न का माहौल आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सुषमा खरवाल के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। सीधे तस्वीर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। नामांकन से पहले जश्न का माहौल है, आप तस्वीरों में सीधे तौर पर देख सकते हैं। सुषमा खरवाल के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पर मौजूद हैं। देख सकते हैं सुषमा खरवाल के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहां पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में दिनेश शर्मा को भी देख लेते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी वहां पर मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहां पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा वहां पर भीड़ लगी हुई है। सुषमा खरवाल थोड़ी देर में अपनी नामांकन प्रक्रिया शुरू करेंगी और नामांकन से पहले वहां पर जो है जश्न का माहौल है। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी वहां पर मौजूद हैं। हम आपको सीधा तस्वीर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से दिखा रहे हैं जहां पर भारी संख्या में वहां के कार्यकर्ता मौजूद हैं। बता दें कि बीजेपी में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं सुषमा खरवाल। आज उनका नामांकन प्रक्रिया है जिसको लेकर बीजेपी में जश्न का माहौल है। सीधा तस्वीर हम आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से दिखा रहे हैं। उनके साथ कई कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। वहां पर जश्न का माहौल है। सीधा तस्वीर हम आपको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। विधायक राजेश्वर सिंह भी वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नामांकन प्रक्रिया से पहले वहां पर जश्न का माहौल है। लोग खुशियां मना रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का प्रदर्शन देख रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी देखिए उनके साथ सीधा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वहां पर जश्न का माहौल है। नामांकन प्रक्रिया से पहले जश्न मनाया जा रहा है। सीधा तस्वीर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। बता दें कि लखनऊ से दूसरी महिला प्रत्याशी हैं सुषमा खरवाल। वहीं पर इस बार जो है महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जहां पर बीजेपी ने अपने लिस्ट में जो है महिलाओं को आगे बढ़ाया है। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए पत्ते अपने खोल दिए हैं। वहीं पर एक्शन मोड में नजर आ रही है। आप सीधा तस्वीर लखनऊ से देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसको लेकर वहां पर जश्न का माहौल है। सुष्मा
सुषमा खरवाल थोड़ी देर में नामांकन करेंगी, जिसको लेकर वहां पर कार्यकर्ताओं में उनके साथ दस्त का माहौल देखा जा रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए एक्शन में बीजेपी नजर आ रही है। इसके बाद सुषमा खरवाल का थोड़ी देर में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। हम आपको सीधा तस्वीर लखनऊ से दिखा रहे हैं, उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी वहां पर मौजूद हैं। बता दें, भाजपा ने पहले चरण चुनाव के मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें लखनऊ से सुषमा खरवाल को टिकट दिया गया है। तमाम बड़े नामों के बीच भाजपा ने अपनी पुरानी कार्यकर्ता को सम्मान दिया है। इसके बाद थोड़ी ही देर में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाजपा ने पहले चरण चुनाव के मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट जो है जारी कर दी है, जिसमें लखनऊ से सुषमा खरवाल को टिकट दिया गया है। तमाम बड़े नामों के बीच भाजपा ने अपनी पुरानी कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया है। इसके बाद थोड़ी ही देर में जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुषमा खरवाल का नाम दो दिन से पहले से चर्चा में आया था। सीधी तस्वीर हम आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से दिखा रहे हैं। बता दें कि सुषमा को टिकट देकर भाजपा ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। ये बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है लखनऊ की। आपको बता दें, कि भाजपा ने पहले चरण चुनाव के मेयर प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें लखनऊ से है सुषमा खरवाल को टिकट दिया गया है। कुछ ही देर बाद उनका नामांकन प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगा। इसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। वही निकाय चुनाव को लेकर देखिए, बीजेपी अपनी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। ब्राह्मण कार्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि सुषमा खरवाल जो है वो उनका नाम दो दिन पहले ही चर्चा में आया था, और रविवार को जारी सूची में भाजपा ने उन्हें महापौर का उम्मीदवार बनाया है। कितनी बड़ी जीत होने वाली है मैम, सुषमा मैम कितनी बड़ी जीत होने वाली है? आप जो है भारतीय जनता पार्टी तरफ से प्रत्याशी चुनी गई है मैम, दो शब्द से निकाल दिखा तो बता दें, भाजपा ने पहले चरण चुनाव के मेयर प्रत्याशियों की लिस्ट होने वाली भारतीय जनता पार्टी की। जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेगी, जनता विकास चाहती है, भारतीय जनता पार्टी और विकास पर आए हैं। जी को जाने दो।
आप सर अब यही तो मौका है सर। सर कितनी बड़ी जीत होने वाली है पूछो ना सर, कितनी बड़ी जीत होने वाली है सर। लगातार समाजवादी पार्टी जो है ये ऐलान कर रही है कि निकाय चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ कर देगी, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? हाली चुनाव भारतीय जनता पार्टी का होता है, कांग्रेस पार्टी अपने उनके पास तो प्रत्याशी की कमी है। आप बोल दो ऐतिहासिक मतों से आचार संहिता का पालन करना हमको। सर कितनी बड़ी जीत होने वाली है सर? भैया कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। मंत्री जी कितनी बड़ी जीत होने वाली है सर? मैम दो दो शब्द, मैम दो शब्द, मैम दो शब्द सुषमा मैम दो शब्द, कितनी बड़ी जीत होने वाली है सर? कितनी बड़ी जीत होने वाली है सर? सर 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 एक बार सर कितनी बड़ी जीत होने वाली है सर? लगातार समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि लखनऊ से मेयर के चुनाव जीतेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जो जीत थोड़ी है वो बहुत दूर है। ये कितनी बड़ी जीत होने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए? आराम आराम मैं प्लीज जाना पड़ेगा। डॉक्टर दिनेश खरकवाल को टिकट दिया गया है। उसके बाद उनका थोड़ी ही देर बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उनके साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो है मौजूद हैं। इसके साथ ही वहां पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। उन्होंने मीडिया के सामने विक्ट्री का साइन दिया है। आपको बता दें कि राज्य वहां पर मंत्री और तमाम नेतागढ़ जो हैं उनके साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक जीत होगी सुषमा खरकवाल की। Thank you.
सर कितनी बड़ी जीत होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की? जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेगी, जनता विकास चाहती है, भारतीय जनता पार्टी और विकास के लिए आए हैं। सर अब यही तो मौका है सर। सर कितनी बड़ी जीत होने वाली है? पूछो ना। सर कितनी बड़ी जीत होने वाली है सर? लगातार समाजवादी पार्टी जो है ये ऐलान कर रही है कि निकाय चुनाव में भाजपा का सूत्रा साफ कर देगी, क्या कुछ कहना है आपका इस पे? हाली चुनाव भारतीय जनता पार्टी का होता है, कांग्रेस पार्टी के पास तो प्रत्याशी की कमी है। आप बोल दो ऐतिहासिक मतों से नहीं नहीं आपके बिना अरे नहीं आपके बिना जरूरी है इसी बात कर आप नगर अध्यक्ष आपका जरूरी भैया पांच लोग जाएंगे बाकी भैया पांच लोग जाएंगे बाकी रुक जाइएगा। आचार संहिता का पालन करना हमको। सर कितनी बड़ी जीत होने वाली है सर? भैया कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। मंत्री जी कितनी बड़ी जीत होने वाली है सर? मैम दो शब्द सुषमा मैम दो शब्द। कितनी बड़ी जीत होने वाली है सर? कितनी बड़ी जीत होने वाली है सर? ये पांच लोग सर 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 एक बच्चे कितनी बड़ी जीत होने वाली है सर? लगातार समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि लखनऊ से मेयर के चुनाव जीतेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जो जीत थोड़ी है वो बहुत दूर है। ये कितनी बड़ी जीत होने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए? नामांकन से पहले जश्न का माहौल देखा जा रहा है। सुषमा करकवाल के साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद रहे वहां पर। बीजेपी में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के हैं सुषमा करकवाल। सुषमा करकवाल थोड़ी देर में नामांकन करेंगी। नामांकन से पहले जश्न का माहौल देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है। सुषमा खरकवाल के साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा वहां पर मौजूद दिखे। बीजेपी में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं सुषमा खरकवाल। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।